हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोग को ह्यूमन फिजियोलॉजी के सेकेंड चैप्टर ब्रीदिंग एंड असेंट ऑफ गैसेस के क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एट हाई एल्टीट्यूड द आरबीसी इन द ह्यूमन ब्लड विल। तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए इंक्रीज इन नंबर, ऑप्शन बी डिक्रीज इन नंबर, ऑप्शन सी इंक्रीज इन साइज एंड ऑप्शन डी डिक्रीज इन साइज। तो गाइस, क्वेश्चन में ये पूछा है कि हाई एल्टीट्यूड पे जाने पे जो आरबीसी है ह्यूमन ब्लड की वो क्या होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है, इंक्रीज इन नंबर। हाई एल्टीट्यूड पे जाने पे जो एयर का कंपोजिशन होता है वो सेम होता है ऑलमोस्ट सी लेवल के, बट उसकी जो डेंसिटी होती है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करती जाती है और पार्शियल प्रेशर भी जो ऑक्सीजन का होता है वो भी डिक्रीज करता जाता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो गया, इंक्रीज इन नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, द वेंटिलेशन मूवमेंट्स ऑफ द लंग्स इन मैमल्स आर गवर्न्ड बाय। तो ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है मस्कुलर वॉल ऑफ लंग्स, ऑप्शन बी डायफ्राम, ऑप्शन सी इंटरकोस्टल मसल एंड ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी, यानी कि डायफ्राम भी होगा इंटरकोस्टल मसल होगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो वेंटिलेशन मूवमेंट होता है लंग्स का मैमल्स में वो किससे गवर्न किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, बोथ बी एंड सी, वो डायफ्राम से भी गवर्न होता है इंटरकोस्टल मसल से भी होता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन ध्यान से करना है, यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा, बोथ बी एंड सी। तो उस क्वेश्चन को आप एनसीईआरटी से पढ़ के भी अच्छे से कर सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, द एल्वियोलर एपिथेलियम इन द लंग्स इज। तो ऑप्शन ए नॉन सीलिएटेड कॉलमनर, ऑप्शन बी नॉन सीलिएटेड स्क्वैमस, ऑप्शन सी सीलिएटेड कॉलमनर, ऑप्शन डी सीलिएटेड स्क्वैमस। इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन बहुत ही जो ऑप्शन बहुत ही क्लोज से ऑप्शन दिए जाते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। आप लोग जितने प्रैक्टिस करें उतने अच्छे से आंसर यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का। तो गाइस, इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि जो एल्वियोलर एपिथेलियम होता है लंग्स का वो कैसा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी आपका राइट होगा, वो जो एल्वियोलर एपिथेलियम होता है लंग्स का वो नॉन सीलिएटेड स्क्वैमस होता है। तो आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से इस ऑप्शन को या तो रख लेना है फिर आपको एनसीईआरटी से पढ़ के प्रैक्टिस करके आंसर कर लेना है। तो ऑप्शन भी राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, हीमोग्लोबिन इज ए टाइप ऑफ। तो ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ऑप्शन सी विटामिन एंड ऑप्शन डी स्किन पिगमेंट। तो हीमोग्लोबिन यहाँ पे पूछा है किस टाइप का, ये मान लो कार्बोहाइड्रेट पूछा है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट दिया है, विटामिन दिया है, स्किन पिगमेंट। आपको इन सारे ऑप्शन में से चूज करके बताना हीमोग्लोबिन क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी आपका राइट होगा, हीमोग्लोबिन इज ए टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो ऑप्शन भी आपका राइट हो गया, हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। तो ऑप्शन भी इसलिए राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। द रेस्पिरेटरी सेंटर विच कंट्रोल एस्पायरेशन एक्सपायरेशन आर लोकेटेड इन। तो पूछा जाए क्वेश्चन में कि जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है जहाँ से एक्सपायरेशन और एक्सपायरेशन की प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता है वो कहाँ से लोकेटेड होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं, ऑप्शन ए डायन्सेफेलॉन, ऑप्शन बी मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, ऑप्शन सी सेरिबेलम, ऑप्शन डी स्पाइनल कॉर्ड। तो वो लोकेशन हमको बतानी है, तो वो लोकेशन होता है ऑप्शन बी यानी कि मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। ये रेस्पिरेटरी सेंटर होता है जहाँ पे एक्सपायरेशन और एक्सपायरेशन की प्रोसेस होती है, ये सेंटर यहाँ पे मेडुला ऑब्लॉन्गेटा में लोकेटेड होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो गया। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कह सकते हैं आप इजी भी है, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं कल, बाय बाय।